पंजाब ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स जीत की लय को बरकरार नहीं रख सकी और उसे घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब ने केकेआर को हराने के बाद चेन्नई को उसके घर में हराया और लगातार दूसरी जीत करने के साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। जॉनी बेयरस्टो और रिली रोसोयू की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। पंजाब की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को भी मात दी थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 62 रनों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब के लिए बेयरस्टो ने 46 रन और रिली रोसोयू ने 43 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत दर्ज की।